भारत में एक नारा बहुत ज्यादा बुलंद हो रहा है इस समय। चुनाव तो उत्तर प्रदेश के हैं, लेकिन बातें इस समय बेटियों की हो रही हैं। और जैसे यहाँ से प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा था कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और उसी तरह से एक बेटी है भारत की जो पूरी तरह से देश के प्रधानमंत्री की एक बात को आगे लेकर जा रही हैं, और वो पूरी तरह से लोगों को जागरूक कर रही हैं कि अगर आपको अपनी जान बचानी है तो भारत सरकार के तमाम दिशा निर्देशों का भी पालन करना होगा। अंबिका जी मेरे साथ है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे एक फीमेल बाइक राइडर की जिंदगी कैसे होती है, और उसके बाद जब आप एक नैतिक जिम्मेदारी समझते हैं एक नागरिक होने के नाते कि देखिए अगर मैं बच रही हूँ, अगर मैं कोरोना काल में अपना बचाव कर रही हूँ तो क्यों ना मैं लोगों को भी समझाऊँ। अंबिका जी, ये सफर जो था कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पर जाकर थमेगा? मैम, ये J&K से सफर हमने शुरू किया था और इसको मैंने कश्मीर तक कन्याकुमारी तक लेके गई। उसके बाद फिर कन्याकुमारी से रामेश्वरम साइड, धनुषकोटी, देन अगेन विजिट टू केरला, देन बैक टू अगेन कश्मीर। कुछ यादें हैं सफर में, खासकर जम्मू कश्मीर की मैं पूछना चाहूंगी क्योंकि भारत का ताज है और जम्मू कश्मीर को ही कहा जाता है कि अगर कहीं खूबसूरती है तो यहाँ पर है। कुछ सर्टन मेमोरीज हैं आपकी माइंड में जो आप शेयर करना चाहेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ? बहुत अच्छा है एक्चुअली, जब कोई भी राइडर जम्मू में एंटर होता है तो उसके पास बहुत सारे दिमाग में थॉट होते हैं कि मैंने ये करना है, ये करना है, और मैंने अपनी जर्नी को यहीं से स्टार्ट किया तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पर्सनली मैं कई बार पहले भी विजिट कर चुकी हूँ, कश्मीर में गई थी नवंबर में, बहुत सारा एक्सप्लोर किया। लेह लद्दाख जाना है, अभी वो पेंडिंग है, अभी जून जुलाई में ज़रूर जाएंगे। तो हमेशा जैसे आपने बोला है जन्नत है तो वो कश्मीर में ही है, तो हमेशा जम्मू की कुछ यादें। अच्छा, यहाँ पर ना जो खान पान है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो क्या यहाँ का स्पेशल आपको लगा कि आप घर में भी ट्राई करना चाहें? देखिए, यहाँ पे जो गोश्त हमें रात को खिलाया गया, हमारे बाइकर भाई हैं उन्होंने रात को हमें बिरयानी और वो खिलाया, और मैं ये सोचती हूँ कि जो यहाँ का फ्लेवर है वो और कहीं नहीं है, तो बहुत ही अच्छा लगा। ओरिजिनल एज ओरिजिनल, पता नहीं वो कैसे कुकिंग करते हैं, और जैसे उसकी प्रेजेंटेशन की गई बिरयानी की रात को, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा। इंस्पायर्ड यू टू बी द फीमेल बाइक राइडर? लड़कों को तो हमने देखा है, मेल बाइक राइडर को देखा है, लेकिन फीमेल बाइक राइडर होना किसने आपको इंस्पायर किया था? एक्चुअली शुरू से ही कुछ ऐसे शौक रहे हैं, मेरे मदर हमेशा ही मुझे मोटिवेट करते रहे हैं कि ये काम करना है, तो वो लड़के लड़की का चक्कर शुरू से फैमिली में नहीं रहा। एडवेंचरस थे आप? एडवेंचरस थे शुरू से ही, कुछ ना कुछ लाइक NCC में बहुत सारी कैंपिंग की है, थ्रू आउट द इंडिया पहले भी घूमा हुआ है। राजपथ पे 2 बार मैं परेड कर चुकी हूँ, 26 जनवरी जो हमारा राजपथ पे परेड होता है, तो वो अपने आप में मुझे बहुत सेल्फ सेटिस्फेक्शन देता है। NCC के साथ साथ मैंने स्पोर्ट्स पर्सन रही हूँ, पापा ने स्पोर्ट्स में शुरू से इंटरेस्ट मेरा था तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, तो मेरी सिस्टर भी काफ़ी मतलब इसी में थे स्पोर्ट्स में। तो आफ्टर मैरिज जो मेरे हस्बैंड हैं वो हमेशा सपोर्ट करते ही हैं, उनको पता है कि इसने डिसीजन लिया है तो ये कर पाएगी। उनको इतना फेथ है, फेथ है उनको कि अब ये आगे बढ़ गई है तो कदम नहीं रुकेगी। बिल्कुल, उनको पता होता है कि अगर मैंने कोई भी नेगेटिव थॉट दिया तो ये फिर अपसेट होगी, तो वो पॉजिटिव ही रखते हैं मेरे को फिर। अच्छा, अब इसके बाद आप कहाँ जाने वाले, क्योंकि अब आप कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, नॉर्थ टू साउथ आपने पूरी तरह से एडवेंचरस अगर मैं कहूँ तो राइड की है, तो इसके आगे का क्या? इसके आगे का मेरा ड्रीम है कि मैं इंटरनेशनल लेवल तक जाऊंगी। इंटरनेशनल लेवल तक? हाँ जी, मतलब इंडियन गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट मिल जाए, कितने 4 चांद लगेंगे राइड? बिल्कुल, मैं तो ये चाहती हूँ कि जो मेरी ये जर्नी रही है पूरी, इसमें सारा एक्सपेंस मैंने ही बियर किया है, मतलब जो राइडर्स हैं हमारे वो भी सपोर्टिव बहुत रहे हैं, बट बीइंग अ फीमेल मेरे को ये था कि अच्छी एक मिसाल देनी है, तो मैंने अपने आप को सेफ रखा, सभी की रेपुटेशन का भी ध्यान रखा, तो सब कुछ बहुत ही बढ़िया रहा है। अच्छा, वैक्सीन जब कहा जाता है कि वैक्सीन के लिए यही हमारी जान बचा सकती है और उसी की अवेयरनेस के लिए चल रहे हैं, लेकिन ऑपोजिशन बहुत ज़्यादा सवाल भी उठा रही थी उस समय, किस तरह की प्रतिक्रिया थी, कितना गुस्सा आ रहा था कि अगर जान बचाने के लिए भारत सरकार आगे आई है तो इसमें पॉलिटिक्स क्यों? एक्चुअली पॉलिटिक्स का ऐसा है कि हर एक पहलू है, उसके नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स होते ही हैं, लेकिन अगर आप पॉजिटिव थॉट लेके चलते हो तो जो आगे बंदा है वो नेगेटिव थॉट प्रेजेंट नहीं कर पाता, तो पॉजिटिव इज मोर पावरफुल देन नेगेटिव। तो अभी वैक्सीन के लिए क्या कहना चाहेंगे? बहुत से ऐसे लोग हैं जो भी डर रहे हैं। हाँ, डोज की भी शुरुआत हो चुकी है।
थर्ड डोज बूस्टर आ चुका है, तो मुझे ये लगता है कि आज हम अगर नॉर्मल लाइफ नॉर्मल आ गए हैं तो वो ड्यू टू ओनली वैक्सीनेशन ही है। आप एक इंस्पिरेशन बाइक राइडर्स के लिए तो हैं एज अ फीमेल, बट आप उनके लिए भी हैं जो घर में दुबक्कर बेटियां बैठी रहती हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के बहुत ज़्यादा केसेस होते हैं लेकिन वो बोल नहीं पाती। आज आप कह रहे कि मैं आज़ाद पंछी की तरह अपने पंख फैला रही हूँ और मैं उड़ रही हूँ क्योंकि मेरा परिवार मेरे साथ है, उनको कुछ कहना चाहेंगी कि चार दीवारी से निकल कर आइए, जस्टिस सिस्टम आपके लिए आगे आया है लेकिन आप आगे नहीं आए हैं? सिर्फ एक हौसले की ज़रूरत है, एक कदम उठाने की ज़रूरत है। और मेल डोमिनेटेड फैमिली है हमारी, सोसाइटी है हमारी, पर हम उनके बिना अधूरे भी हैं। वो हमें साथ देते हैं लेकिन अपने मन में इच्छा होनी चाहिए, और अगर इच्छा है तो कोई भी स्टॉप नहीं करेगा, आई थिंक वो आपको सपोर्ट ही करेंगे। तो मुझे ये लगता है कि जो भी घर में बैठे हैं उनके अंदर खुद ही कोई ना कोई डर है, अदरवाइज अगर आप निकलते हो तो। और कुछ ऐसे लोग भी हैं मैम, जो आपने कहा मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, जो जानबूझकर ऐसा, आज भी समाज में कुछ ऐसे तबके हैं कि 1947 वाली सोच है, पार्टीशन से पहले वाली सोच है कि ये लड़की है ये कुछ नहीं कर सकती है, इसको बस घर में ही बिठाया जाए, तो उन मेल को क्या कहना चाहेंगे आप? उनको तो मैं यही कहना चाहूँगी कि सिर्फ आप ही हो जो अभी भी लेडीज पीछे हैं, आप ही उनको निकाल सकते हो, उनको कुछ एग्जाम्पल सेट ऑन करिए। अगर हम 47 की बात करें तो रानी झांसी हो गए या कुछ और अपने, वो 47 के पहले के हैं, तो अपने अंदर जज्बा जो है उसको हमें दिखाने के लिए मतलब बहुत हो गया अब तो ये नहीं है कि सपोर्ट एज वेल। यस, सपोर्ट तो चाहिए ही है, बट जो मेल भाई हैं उनको चाहिए कि वो अगर उनके घर पे या आसपास कोई ऐसे फीमेल हैं जो कि बिल्कुल शाय और दुबक के बैठे लाइक ऐसे है, तो वो उनको सपोर्ट करें। देखिए साफ तौर पर अंबिका जी ने अपने कदम आगे बढ़ाए थे और अपनी बाइक के जरिए लोगों तक ये संदेश पहुंचाया था कि कोरोना काल में वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है। वहीं भारत की बेटी है और हर एक व्यक्ति इन पर आज गर्व कर रहा है, क्योंकि अगर ये बेटी घर से कदम उठा सकती है तो हर बेटी अपनी ज़िंदगी के हर सपने को पूरा कर सकती है। आप